अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं जा रही हूँ गुलशन जौहर की फेमस बिरयानी ट्राई करने। काफ़ी रिव्यूज़ देखे गए थे इसके और रिकमेंड काफ़ी लोगों ने किया था कि ये बिरयानी जो है ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत फेमस है, तो हम भी चले इसे ट्राई करने। तो जी, हम पहुँच गए हैं फरहान बिरयानी सेंटर। एक ये इनका रेस्टोरेंट है और इनके अपोजिट भी एक बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग पर जो है इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। वो काफ़ी रश था तो हम यहाँ पर आ गए। रेस्टोरेंट एम्बियंस की बात करें तो कुछ ख़ास एम्बियंस नहीं लगा मुझे यहाँ का। इस रेस्टोरेंट के अपोजिट जो उनकी बिल्डिंग बनाई गई है उसका एम्बियंस ज़्यादा अच्छा है। खैर, देखते हैं बिरयानी का टेस्ट कैसा है। कुछ रेस्टोरेंट होते हैं एम्बियंस ही होता है, टेस्ट नहीं होता, यहाँ का देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो जी, बिरयानी हाज़िर है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था इस बिरयानी का। जब मैंने इस बिरयानी को टेस्ट किया तो मुझे पता लग गया कि ये बिरयानी फेमस है तो क्यों है। बिरयानी का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक कोल्ड ड्रिंक ना हो। तो जी, हमने मंगा ली थी कोल्ड ड्रिंक, साथ में कोल्ड ड्रिंक आ गई थी। और ये बिरयानी की तो मैं क्या ही बात करूं। चिकन और आलू की ये बिरयानी थी, टेस्ट बहुत ही यम्मी था। चावल देख सकते हैं, जैसे कि आप खड़ा चावल है। बिरयानी के साथ हमें रायता खाना पसंद था तो हमने रायता भी मंगवा लिया था साथ। बिरयानी के साथ रायता खाने का मज़ा ही अलग है। तो मैं पुलाव, ज़रदा और बिरयानी की डिफरेंट रेट्स मैंने आपको शो कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी, हमने अच्छे से एंजॉय कर ली थी फरहान बिरयानी। मैं रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें और बिरयानी, पुलाव और ज़रदा और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, यहाँ पर आके आएँ और इन्जॉय करें लंच और डिनर। तो जी, गर्मियाँ आ नहीं रही हैं, गर्मियाँ आ गई हैं। बिरयानी खा के जब हम बाहर निकले तो हमें काफ़ी गर्मी लगी थी, तो हमने तबीयत को ठंडा करने के लिए हम पहुँचे मैक्सडोनल्ड की आइसक्रीम ट्राई करने। यह है जी आउटसाइड व्यू मैक्सडोनल्ड का। लेकिन गर्मियाँ थी तो आउटसाइड बैठने का फ़ायदा नहीं था, तो हमने सोचा थोड़ी चिल माहौल में बैठा जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ, आउटसाइड भी बैठा जा सकता है। मैक्सडोनल्ड का एम्बियंस आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है, चिल एनवायरनमेंट है बिल्कुल। गर्मियों में चिल एनवायरनमेंट बैठ के आइसक्रीम को एंजॉय करना माइंड बिल्कुल फ्रेश कर देता है, मूड आपका अच्छा हो जाता है। हमने जो है वनीला आइसक्रीम ऑर्डर की थी, जो इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल हटके है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे। टाइम में रिव्यू देने का, फरहान बिरयानी जो हमने टेस्ट की बहुत ही मज़ेदार बिरयानी थी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। मैं रिकमेंड करूँगी गुलशन जौहर आएँ और फरहान बिरयानी जो कि बहुत फेमस है इसे ट्राई करें। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इस फेमस बिरयानी को एंजॉय करने, ट्राई करने। यही वजह है कि इनके दो रेस्टोरेंट हैं, दोनों में जो है काफ़ी रश था लोगों का। यही वजह है कभी कभी इनकी कस्टमर सर्विस भी स्लो हो जाती है। होपफुली आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। Take care. Allah Hafiz.